Hello students, I am Dr. S.K. Garg, Professor in Zoology, Government PG College, Barmer. Today I will discuss regarding the flow of matter and energy in ecosystem. Ecosystem में ये दोनों चीज़ें किस प्रकार से flow करती हैं ये अपन आज study करेंगे. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इकोसिस्टम. आपने पहली क्लास में, इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट. सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट का मतलब जो अपने आप डिपेंड हो. इकोसिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स. दोनों बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों मिलकर के इंटरेक्ट करके एक अपने आप चलने वाले यूनिट बना लेते हैं. जैसे ए पोंड, ए फॉरेस्ट. जो अपन पोंड की बात करें, ए पोंड, पोंड का मतलब पोंड के अंदर अपना वाटर है, सोयल है, एयर है, और उसका अपना बायोटिक फोना है. उसके अंदर उसके अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. तो प्लांट्स एंड एनिमल, लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों चीज़ें मिलकर के एक अपना सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट बनाते हैं जिसको इकोसिस्टम कहते हैं. तो इसमें फ्लो एनर्जी का, बिना एनर्जी के कोई भी चीज़ काम नहीं करती है. उसी प्रकार से इकोसिस्टम के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. तो एनर्जी इज द मोस्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट एज द एवरी एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में कोई भी हो उसको फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है. तो चाहे आदमी हो, चाहे एनिमल्स हो, एवरीबडी नीड्स द एनर्जी. अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल एंड द अनदर ट्रॉफिक लेवल. आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ट्रॉफिक लेवल क्या होता है. ट्रॉफिक लेवल एक होता है जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. से फॉर एग्जाम्पल, दिस इज थ्री लेवल्स. वन इज, दिस इज प्रोड्यूसर प्लांट्स, दिस इज फर्स्ट कंज्यूमर, दिस इज द सेकेंड कंज्यूमर. तो यहाँ से एनर्जी फर्स्ट कंज्यूमर में गई और यहाँ से एनर्जी सेकेंड में गई. तो दिस इज नोन एज द ट्रॉफिक लेवल्स. ये आपको पता होना चाहिए. तो बोथ एनर्जी फ्लो एंड मटेरियल्स दैट फ्लो थ्रू द कम्युनिटी इन्फ्लुएंस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कम्युनिटी एंड बोथ आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर. मतलब मटेरियल्स और एनर्जी दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते. एंड बोथ आर इनसेपरेबल. तो द एनर्जी इज यूज्ड बाय द इकोसिस्टम इज लॉस्ट वेयर एज द मटेरियल रेगुलेट्स, इसको नियंत्रित करते हैं. तो बोथ दीज फॉर्म्स एक्सिस अराउंड विच द लिविंग वर्ल्ड इज फॉर्म्ड. तो अपन एनर्जी सोर्स की बात करें, जैसे कि आपको पता ही है एनर्जी जो सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या होता है? सन. तो फॉर एन इकोसिस्टम द सन लाइट और सोलर रेडिएशन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कीप्स द प्लेनेट फंक्शनिंग. ये जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, इसको टेम्परेचर की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन से. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी. तो ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल्स, जब एनर्जी, ये एक ट्रैफिक लेवल है, इसे इस पर जाएगी, इससे एनर्जी इस पर जाएगी, तो एनर्जी जो है कुछ ना कुछ एनर्जी, 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, सम एनर्जी लॉस्ट एज ए हीट. तो ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब एनर्जी ट्रांसफर होती है इकोसिस्टम में, तो सम एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है. तो नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज 100%. एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनती है, तो 100% ट्रांसफर नहीं होता है और सब एनर्जी लॉस्ट एज ए हीट. तो दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द 10% लॉ विच वॉज गिवन बाई दी
काइंड मैन इन द ईयर ऑफ 1942। 10% लो उन्होंने दिया था कि एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ओनली 10% एनर्जी जो है केवल ट्रांसफर होगी और 90% एनर्जी यूज्ड एज हीट गो बैक टू द एनवायरनमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। से फॉर एग्जाम्पल मैं डायग्राम की सहायता से आपको बताऊंगा। सो देयर इज ए प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ द एनर्जी अवेलेबल एज वी गो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हायर ट्रॉफिक लेवल। से फॉर एग्जाम्पल दिस वन आप देख सकते हो, दिस इज द सन। सन से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 1000 जूल, ओनली 1% एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट। तो इसका 1% हो गया, दैट इज 10 जूल। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, एज पर द 10% रूल, 10 जूल का ओनली 10% हो गया 1 जूल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल हियर, और इसका 10% ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो दैट इज 0.1। तो इस प्रकार से 10% ही ट्रांसफर होगी और 90% जो एनर्जी होगी दैट विज लूज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट। दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज द सेकेंड और दिस इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो ये डायग्राम जो है, डायग्राम टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ 10% लो फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम फूड चेन, कि 10% एनर्जी किस प्रकार से ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन ए सरफेस आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज 2 calories per cm² per minute हमें मिलती है, और इसमें से केवल 1 calorie per cm² per minute रीचेज ऑन द अर्थ, अर्थ पर आती है। तो इस प्रकार से ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी रीचिंग अर्थ अबाउट 1/2 इज लाइट एंड रेस्ट इज इंफ्रारेड रेज के रूप में मिलती है, और हमें पता है इंफ्रारेड रेज जो होती है वो दैट इज द सोर्स ऑफ हीट, और कुछ अमाउंट हमें जो है इसमें किसका मिलता है, अल्ट्रावायलेट रेज का। तो इट इज ए डायग्राम जो शो करता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। आप इसमें ढंग से देख लीजिए, दिस इज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब जो एनर्जी को बनाते हैं, डायरेक्ट अब्जॉर्ब करते हैं, अपने आप अपना भोजन बना सकते हैं, उनको प्रोड्यूसर कहते हैं। दिस इज द हर्बीवोरस, हर्बीवोरस आपको पता होगा कौन होते हैं, जो डायरेक्ट प्लांट्स लेते हैं, और कॉर्निवोरस जो हर्बीवोरस को खाते हैं, और टॉप कॉर्निवोरस जो कॉर्निवोरस को खाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लायन। तो दिस वन, यहां से एनर्जी यहां पर ट्रांसफर, यहां से एनर्जी इस पर, और कॉर्निवोरस से टॉप कॉर्निवोरस पर ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये क्या होगा, डिकम्पोजर, डिकम्पोज इनको करेंगे डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर होने से जो कम्युनिटी हीट होगी गो बैक टू दी कम्युनिटी, और ये सारी की सारी हीट गो बैक टू दी एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट 27% ऑफ द सोलर रेडिएशंस दैट एंटर टू द अर्थ एटमोसफियर इज रिफ्लेक्टेड बैक बाई द क्लाउड्स एंड द डस्ट एंड 2% बाई द अर्थ। तो इस प्रकार से 27 और 2 जो है, 2 मिलाकर के ये कितने हो गए, 29%। तो 29% ऑफ सोलर रेडिएशंस इज लॉस्ट एंड अनदर 4% अब्सॉर्ब बाय द क्लाउड्स। तो 4% ये हो गए, तो ये टोटल 4% क्लाउड्स के द्वारा हो जाते हैं, 29 ही हो गए, तो टोटल मिलाकर के 33% सोलर रेडिएशंस इज लॉस्ट। तो 30
33% लॉस्ट हो जाते हैं तो रिमेनिंग 57% ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशंस अल्टीमेटली रीचेज टू द अर्थ। अर्थ में जो सन से 100% निकलते हैं उनमें से केवल 57% ही पृथ्वी पर सोलर रेडिएशंस आते हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट हमें मिलती है 57 में से 38% एंड ये हमें लाइट के रूप में मिलता है और 19% हमें कैसे मिलता है, स्कैटर्ड लाइट के रूप में हमें ये मिलता है। दैट इज द चीफ सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। बट द क्वांटिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस वेरीज विद द डेली एंड सीजनल फ्लक्चुएशन। जैसे क्लाउड्स हो रहे हैं, रेनी सीजन हो रहा है, ह्यूमिड है, तो ये उन सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि 57% एनर्जी सोयल पर आए सन की या इससे कम भी हो सकती है अगर सिचुएशंस फेवरेबल नहीं हो। तो वी कैन से सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। मतलब सन हमें एनर्जी देता है और वो एनर्जी ट्रैप की जाती है सोयल पर और ट्रैप होने के बाद दैट इज कन्वर्टेड, दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल और जिससे कि जो है पूरा का पूरा इकोसिस्टम चलता है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल।